रहे, वेद जी को संदेश भेज देना चाहिए। रंजीत को चोट ज्यादा लगी है। मुझे दिख रहा है प्रभा। चोटे से लगी है, जख्म और घाव मेरे शरीर पर हुए। हार कर जमीन पर ये गिरा है, पर मिट्टी में इज्जत पूरी रियासत की मिली है। नहीं वीरे, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है ब्रावा। कोई पूछे इससे कभी अपनी हार से कुछ सीख लेगा, कभी अंधकार को छोड़कर रोशनी की तरफ कदम उठाएगा। खुद की महानता और बहादुरी को दिखाने के लिए बिना तैयारी अखाड़े में मुकाबले के लिए नहीं जाते। मेरी परवाह नहीं करता, रियासत की फिक्र नहीं करता, कम से कम अपने बेबे के बारे में तो सोचा होता। जिस अंधेर कोठरी में तूने अपनी सोच को कैद कर रखा है ना रंजीत, वहां रोशनी की किरण शायद मैं भी नहीं पहुंचा सकता। रंजीत बोल पुत्र, क्यों गया था अखाड़े में? जिस पिटारे में सिर्फ हवा भरी हो उसमें से और क्या निकाल लो? मेरे पास कोई जवाब नहीं है चाचा जी। मैं तलवारबाज अखाड़े में हिस्सा लेना चाहता था, पर मुझे कोई साथी नहीं मिला। ब्रह्मा, मैं चाहता हूं तेरा भाई इससे कमजोर है और तेरे इस रिश्ते की ढाल मैं बनूंगा। रंजीत सिंह, लगा ले, चाची जी ने भेजा है। जानती हो रब की सबसे बड़ी मेहर क्या है? की मां। मैनू पता है रणजीत से कि दरबार में की होया, पर मैनू ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि जिस गुलाब सिंह को तूने बाघ से बचाया वो अकेला अखाड़े में कैसे जीत गया? जरूर उसने कोई चाल चली है, तुझे उसकी शिकायत करनी चाहिए। मेहताब, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, देखोगी? तुम जानती हो ये क्या है? खैबर दर्रा। ये वो जगह है जहां से दुश्मन हम पर हमला बोलते हैं, और इस खैबर दर्रे का रक्षक कभी शिकायतें लगाने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, और मुझे वो रक्षक बनना है। जिन्हें पर्वतों की शिखर तक पहुंचना होता है ना, वो रास्ते में आए कंकड़ों और पत्थरों पर ध्यान नहीं देते। बस तेरी नेकी और तेरा हौसला चुप करा देते। चुप्पी किसी शस्त्र से कम नहीं।
क्योंकि जवाब वक्त खुद दे देता है। बख्श चाचा तेरा इंतजार कर रहे हूँ, तुझे चलना चाहिए। रब राखा। रब राखा। शाबाश पुत्र, शाबाश। पुत्र की जीत का ताज सीधे पिता के सर ही सजता है। अगर तूने रणजीत की जगह उस बाघ को पस्त किया होता तो भी मैं इतना खुश नहीं होता जितना खुश आज हूं। इस दोधारी तलवार को जीत कर तूने दो मकसद एक साथ साधे हैं। एक और रणजीत का हौसला तोड़ दिया और दूसरी ओर उसे महासिंह की नजरों में और गिरा दिया। पुत्र, इसे कहते हैं दर्द, गहरा दर्द। रणजीत सिंह का उठ खड़ा होना बहुत मुश्किल है पिताजी। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर और हौसला धूल हो चुका है। अब वो सिर्फ एक आंख से दृष्टिहीन ही नहीं बल्कि दोनों आंखों से दिशाहीन भी हो चुका है। बिल्कुल पुत्र, अब रणजीत सिंह सिर्फ रास्ते चुन पाएगा लेकिन मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। कहते हैं इस दुनिया पर कोई अकेला नहीं होता, रब का हक सबके सिर पर होता है। ये हवा, ये जमीन, ये आकाश, इन सब का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। तो आज मैं रणजीत सिंह आज आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे मुंह से निकला हर शब्द सबसे पहले ये हवा छूती, मेरी आंख के पीछे छुपा वो मकसद आकाश से आने वाली रोशनी को साफ देख सकता है। मेरे आगे बढ़ता हुआ हर कदम इस जमीन से बेहतर कोई नहीं जानता, तो क्यों मेरी नेक नियत होने के बावजूद भी मैं बार बार असफल हो रहा हूं? क्यों मैं खुद को एक वीर योद्धा साबित नहीं कर पा रहा? हे सच्चे पातशाह, क्यों मैं बार बार गिर रहा हूं? अपने पिताजी की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरूं मैं? इस वतन की सेवा करने के काबिल कैसे बनूं मैं? मुझ पर मेहर करो सच्चे पातशाह, मुझ पर मेहर करो। सब उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मैंने उस योद्धा को झरने के पास देखा। ये सारे सवाल जहां से उठे थे उनका जवाब भी वहीं छुपा है। मैं आ रहा हूं आपसे जवाब मांगने। दौड़ मस्जिद पर कोई है? आप मुझे नहीं जानते और ना मैं आपको, पर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपा करके बाहर आएं।
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं? इंसान चाहे तो अंधेरे में कोयला भी ढूंढ सकता है। मैं आप तक पहुंच कर ही रहूंगा। मैं यहाँ रोज आऊंगा, तब तक जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते।